हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ मूवीज के अपडेट्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी हॉलीवुड फिल्म की अपडेट निकल कर आ गए हैं और एक्चुअल में सुपर हीरोज की फिल्मों के अलावा हॉलीवुड में चल क्या रहा है। सो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में, और ये अपडेट है एज ऑफ टुमारो फिल्म के सीक्वल के बारे में, जिस फिल्म का नाम है लिव दैट रिपीट एंड रिपीट। तो इस फिल्म की कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आई थी, बट फाइनली फिल्म के डायरेक्टर डग जोन्स ने ही खुद ये बात कंफर्म कर दी कि एक्चुअल में इस फिल्म के प्रोजेक्ट के साथ में चल क्या रहा है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि हाँ, इस फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी तरीके से कंप्लीट है, यानी बस वेट है तो फिल्म के लीड एक्टर टॉम क्रूज का, जो फिलहाल तो अभी के टाइम पर बिजी है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि टॉम क्रूज इन दिनों कौन सी फिल्मों के प्रोजेक्ट में बिजी है, वेल तो इस फिल्म की सीरीज का नाम है मिशन इम्पॉसिबल, जिसके बैक टू बैक हमें दो पार्ट्स देखने मिलेंगे और दोनों ही पार्ट एक ही इयर्स के गैप में निकल कर आएंगे, यानी 2021 और 2022, और तभी जाकर टॉम क्रूज पूरी तरीके से फ्री हो गए और उसके बाद इस फिल्म के प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जाएगा। जी हाँ, ये बात खुद फिल्म के डायरेक्टर डग जोन्स ने कन्फर्म की है और उनके अकॉर्डिंग फैंस को जरा भी चिंता करने की बात नहीं है कि क्या सच में एज ऑफ टुमारो फिल्म का सीक्वल आएगा या नहीं, क्योंकि 2014 के बाद से ही फैंस ये होप लगाकर बैठे थे कि इस फिल्म का सीक्वल आएगा, जिसकी कंफर्मेशन अब जाकर हुई है कि अंदर ही अंदर फिल्म के प्रोजेक्ट पर काम ऑलरेडी चल रहा था, खास करके फिल्म के स्क्रिप्ट पर। और अब बात करें डीसी के यूनिवर्स की, तो डीसी के यूनिवर्स में हमने जोकर का रोल करते हुए सुसाइड स्क्वाड फिल्म में देखा था जारेड लूटो को, जिनके जोकर का रोल ज्यादातर तो फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और उसके बारे में कहीं ना कहीं जारेड लूटो को भी पता है, इसलिए उन्होंने अब एक बात साफ साफ कह दी है कि वो जोकर के रोल से रिटायरमेंट ले रहे हैं। हालांकि इसकी कोई खास पूरी कंफर्मेशन नहीं की गई है, क्योंकि खबर फिलहाल तो इतनी ही निकल कर आई है, और जिस तरीके से फिलिप की जोकर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो कमाई की है, उससे तो ये बात साफ साफ पता चल जाती है कि लोग जोकर के रूप में अगर फ्यूचर में किसी एक्टर को देखना चाहते हैं तो वो एक्टर जारेड लीटो नहीं बल्कि जॉकविन फियोनिक्स ही होगी, और ये चीज शायद कहीं ना कहीं जारेड लीटो को पसंद नहीं, इसीलिए उन्होंने ये कहा था कि जब जोकर फिल्म को लेकर कंफर्मेशन की गई थी कि जोकर के कैरेक्टर को लेकर एक स्टैंड अलोन फिल्म बनाई जाएगी, तो उस खबर से जारेड लीटो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गए थे, और अब रूमर के अकॉर्डिंग उन्होंने जोकर के रोल से रिटायरमेंट ले ली है। और इसी के साथ साथ बात करें ब्लैक एडम फिल्म की, तो इस फिल्म को भी लेकर अपडेट निकल कर आए हैं और ये अपडेट खुद ड्वेन जॉनसन ने दिए हैं कि अब उनसे वेट नहीं हो रहा ब्लैक एडम फिल्म को लेकर, और अब इस फिल्म पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाएगा। यानी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ फिल्म के प्रोडक्शन की, और ये प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू ड्वेन जॉनसन जुलाई तक शुरू हो जाएगी, क्योंकि ड्वेन जॉनसन भी यही चाहते हैं कि अब 10 साल के वेट के बाद फाइनली इस फिल्म पर काम शुरू किया जाए। कल तो मुझे लगता है डीसी फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। और अब आ जाए वंडर वुमन 1984 पर, तो इस फिल्म को लेकर फिल्म के विलन की भी कंफर्मेशन की गई है, जिसकी कंफर्मेशन और किसी ने नहीं बल्कि खुद फिल्म के डायरेक्टर पेटी जेंकिंस ने की है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ महीनों पहले पेड्रो पास्कल के कैरेक्टर की फोटो डाली थी, जिसमें हम पेड्रो पास्कल को एक बिजनेसमैन के रूप में देख सकते हो, लेकिन उस टाइम पर लोगों ने ये रूमर लगाई थी कि पेड्रो पास्कल एक्चुअल में इस फिल्म में रोल कर रहे हैं मैक्सवेल लॉर्ड का, लेकिन कंफर्मेशन नहीं की गई थी। बट अब फाइनली पेटी जेंकिंस ने ये बात कंफर्म कर दी है कि पेड्रो पास्कल का कैरेक्टर ही डीसी के यूनिवर्स का मैक्सवेल लॉर्ड है। यानी वंडर वुमन 1984 फिल्म में हम चीता के अलावा अब एक और विलन देखने वाले हैं, और शायद मैक्सवेल लॉर्ड ही वो शख्स होगा जिसकी वजह से क्रिस्टन विंग का कैरेक्टर चीता का रूप अपनाएगा। तो ये काफी अच्छा अपडेट है इस फिल्म से रिलेटेड। और इसी फिल्म के ट्रेलर से रिलेटेड भी कुछ रूमर निकल कर आई है कि हमें इस फिल्म का ट्रेलर 8 दिसंबर तक देखने मिलेगा, जिसकी पूरी डिटेल मिलने के बाद मैं आपको उसकी भी कंफर्मेशन दे दूंगा कि ये रूमर सच्चे है या नहीं। और अब आ जाए डीसी के एक और अपडेट पर, तो आप सभी को पता होगा कि जॉन हिल ने पेंगुइन का रोल करने से मना कर दिया है मैट रीव्स की आने वाली बैटमैन फिल्म के लिए, और अब रूमर निकल कर आई है कि इस रोल के लिए सेंथ रोक से भी बात चल रही है, बट ये बस एक रूमर है जिस पर अभी के लिए कोई भी कंफर्मेशन निकल कर नहीं आई। और अब बात करें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म की, तो इस फिल्म की एक और कॉन्सेप्ट आर्ट निकल कर आई है, जिस कॉन्सेप्ट आर्ट में हम कॉन्ग के ओल्डर वर्जन को देख सकते हैं, जिससे हमें ये बात पता चल जाती है कि इस फिल्म में कॉन्ग का वर्जन कितना ज्यादा अलग दिखाया जाएगा। हालांकि इस कॉन्सेप्ट आर्ट को काफी पहले रिलीज किया गया था, बट उस टाइम पर किसी ने भी इस चीज पर नोटिस नहीं किया था, बट अब सबकी नजर इस चीज पर तब गई जब इस कॉन्सेप्ट आर्ट में से गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के नाम को हटाया गया, तब जाकर लोगों को ये चीज समझ आई। और बात करें फिल्म की रिलीज डेट की, तो फिल्म की रिलीज डेट अभी भी 3 मार्च 2020 की ही बताई जा रही है, बट इसकी भी रूमर की बात करें तो ये डेट शायद चेंज हो सकती है। और अब बात करें स्टार वॉर्स राइज ऑफ द स्काईवॉकर फिल्म के बारे में, तो इस फिल्म ने अवेंजर्स एंड गेम फिल्म के रिकॉर्ड तोड़े हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, और ये रिकॉर्ड है फिल्म की टिकट बुकिंग के, जो सिर्फ टोटल 24 घंटे में ही टूटे हैं, और ये बात सिर्फ मैं अमेरिका की ही कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर इस फिल्म की पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है ये बात आप सभी को पता होगी, बट हमारे इंडिया में लोग इस फिल्म की असली वैल्यू नहीं जानते। और अब आ जाए एक अजीब से अपडेट पर, तो ये अपडेट है बार्नी जैसे
नोन कैरेक्टर से रिलेटेड। वेल बार्नी के कैरेक्टर को हमने जब भी स्क्रीन पर देखा है तो ये कैरेक्टर सिर्फ बच्चों के लिए ही बनाया गया था, लेकिन अब इसकी एक पूरी की पूरी फिल्म बनाई जा रही है, वो भी लाइव एक्शन वर्जन में। बट ऐसा नहीं है कि ये फिल्म सिर्फ बच्चों के लिए ही होगी, क्योंकि स्टूडियो की तरफ से कुछ कंफर्मेशन भी की गई है कि बार्नी एक टाइम पर बहुत ही ज्यादा फेमस था, फिर अचानक से वो सभी की नजरों से गायब हो गया और शुरू हुआ एक एडवेंचर। वेल इससे ज्यादा डिटेल स्टूडियो की तरफ से रिवील नहीं की गई है, बट यही बताया गया है कि ये एक क्रेजी वाइल्ड राइड होगी। और ऊपर से इस फिल्म में एक एक्टर की भी कंफर्मेशन की गई है, जिनका नाम है डैनियल कलुया, और हमने इस एक्टर को इसके पहले ब्लैक पैंथर और गेट आउट जैसी फिल्म में देखा है, और अब वो इस फिल्म के प्रोजेक्ट के साथ में इन्वॉल्व है। वेल तो इन दिनों हॉलीवुड में कुछ अलग फिल्मों की रीमेक्स की जा रही है, और अब ऐसा ही रीमेक 1993 में आई हुई फिल्म लोकस पोकस के साथ भी होगा, जो अपने टाइम की एक काफी मजेदार मैजिकल फिल्म थी, और अब इस फिल्म के सीक्वल को बनाया जा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस फिल्म के सीक्वल पर काम शुरू कर दिया गया है, और ये फिल्म हमें डिज्नी की स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर देखने मिलेगी। बट अभी के लिए मैं इसे फिल्म ही कहूंगा, क्योंकि डिज्नी की तरफ से बस यही डिटेल निकल कर आई है कि डिज्नी प्लस पर इस फिल्म के सीक्वल को बनाया जाएगा। अब हो सकता है कि ये सीक्वल हमें सीरीज के तौर पर देखने मिले या फिर एक फिल्म के तौर पर, बट अभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है वही डिटेल मैंने आपको दी है। और ये भी कन्फर्म नहीं किया गया है कि उन तीनों विचेस का रोल करने के लिए फिर से उन्हीं एक्ट्रेसेस को बुलाया जाएगा या नहीं, जिन्हें हमने इसके पहले इस फिल्म में देखा था, खास करके सैरा जेसिका पार्कर, जिन्होंने हमें उस फिल्म में काफी ज्यादा सरप्राइज भी किया था। और अब बात करें फिल्म कैंडीमैन के एक छोटे से अपडेट के बारे में, तो आप सभी को पता होगा कि पुरानी आई हुई कैंडीमैन फिल्म में हमने कैंडीमैन के रोल में टोनी टॉड को देखा था, जिनकी उम्मीद इस फिल्म में ना के बराबर की गई थी, और कैंडीमैन के रोल को रूमर के अकॉर्डिंग यहाना अब्दुल्ला कर रहे हैं, लेकिन अब टोनी टॉड की भी कंफर्मेशन कर दी गई है कि वो हमें इस फिल्म में एस कैंडीमैन के रोल में नजर आने वाले हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यहाना अब्दुल इस फिल्म में कौन से कैरेक्टर का रोल प्ले करेंगे। और अगर आप इस फिल्म से रिलेटेड और भी कुछ अपडेट जानना चाहते हो तो वो डिटेल ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपडेटेड है, जैसे कि इस फिल्म को डायरेक्ट कौन कर रहा है और कौन प्रोड्यूस और ये फिल्म कब रिलीज होगी। तो अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, और ये अपडेट है एक्वामैन 2 फिल्म से रिलेटेड, जिस फिल्म के एक्टर जेसन मोमोआ बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है इस फिल्म के प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए, क्योंकि एक्वामैन का यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इतना ज्यादा कि अब तक डीसी की तरफ से उस यूनिवर्स में जरा सा भी नहीं घुसा गया है, और इसी के चलते जेसन मोमोआ कुछ नए आइडियाज के साथ आए हैं, जिन आइडियाज को उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर जेम्स वॉन और वॉर्नर ब्रदर्स की टीम के साथ भी डिस्कस किया, और उन्हें भी वो नए आइडियाज बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहे हैं, और आई होप कि इसी आइडिया पर आगे फिल्म में काम किया जाएगा। और बात करें फिल्म की रिलीज डेट की, तो फिल्म की रिलीजिंग डेट 16 दिसंबर 2022 की ही है, और हो सकता है कि इस फिल्म के प्रोडक्शन पर जल्द से जल्द काम शुरू कर दिया जाए, क्योंकि इस फिल्म को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम जाता है। लेकिन जेसन मोमोआ के अकॉर्डिंग फिल्म के सीक्वल में कुछ अलग चीजें ट्राई की जाएगी, जिस हिसाब से हो सकता है कि फर्स्ट पार्ट के मुकाबले में फिल्म का सीक्वल थोड़ा डीसी वर्जन में रहे, जो कि डीसी फैंस चाहते हैं, क्योंकि इस फिल्म को पूरी तरीके से एमसीयू की फिल्म बनाकर लोगों के सामने रखा गया था, यानी काफी ज्यादा कलरफुल। और अब बात करें अगले अपडेट की, तो अगला अपडेट है फिल्म पीसेस ऑफ अ वुमेन को लेकर। ये एक ड्रामा फिल्म है, और इस फिल्म में दो कास्टिंग की कंफर्मेशन की गई है, जिनमें से एक है शाय लबियू और दूसरी है वेनिसा कोबी। और अब इस फिल्म का प्रोजेक्ट किस ड्रामा पर ज्यादा डिस्कस करने वाला है उसकी तो ज्यादा डिटेल है नहीं मेरे पास, बट कंफर्मेशन के हिसाब से यही कहा जा रहा है कि ये फिल्म होम बर्थ पर बेस्ड है, कि किस तरीके से होम बर्थ के दौरान औरतों को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और स्टूडियो की बात की जाए तो ये फिल्म लिटिल लाइम प्रोडक्शन और बॉन्ड स्टूडियो के अंडर बनाई जा रही है, यानी एक सिंपल ड्रामा फिल्म। बट हाँ, फिल्म की दो स्टार कास्ट काफी ज्यादा जबरदस्त है। और बात करें इस फिल्म की रिलीज डेट की, तो जी नहीं, इस फिल्म की रिलीज डेट को कंफर्म नहीं किया गया है, सिवाय इस फिल्म के ईयर के अलावा, और ये ईयर है 2020 का। और अब बात करें फिल्म के आखिरी अपडेट की, तो ये अपडेट है फास्ट एंड फ्यूरियस 9 फिल्म से रिलेटेड, जिस फिल्म में एक और कास्टिंग की गई है, जो कास्टिंग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वेल तो इस फिल्म में जिस एक्ट्रेसेस को ऐड किया गया है उस एक्ट्रेस का नाम है चैडी बी, जिनकी परफॉर्मेंस हमने दी हसलर फिल्म में देखी है, जो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी बट कम थी, तो शायद उसी के अकॉर्डिंग इन्हें इस फिल्म में ऐड किया गया है। और हाँ, इस फिल्म से रिलेटेड मैं दूसरी डिटेल की भी बात करूंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, बल्कि एक अलग सेपरेट वीडियो में, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि विन डीजल और ड्विन जॉनसन के बीच क्या चल रहा है, और क्या हमें ड्विन जॉनसन का हाउ फास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज में नजर आएगा भी या नहीं, क्योंकि फैंस इसे लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। और शायद हो सकता है कि इस रूमर के अकॉर्डिंग हमें ड्विन जॉनसन फास्ट एंड फ्यूरियस 9 फिल्म में नजर आ जाए। वेल तो अब आपकी क्या राय है इन सभी की सभी फिल्मों के अपडेट्स को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे तो इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आप बाकी और दूसरी फिल्मों से रिलेटेड मुझसे कोई अपडेट जानना चाहते हैं या फिर आपके कोई सवाल है जिनके आपको जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप सीधे आ जाइए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जहाँ पर मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपके सभी के सभी सवालों के जवाब मैं टाइम पर दे पाऊँ। हालांकि आपको वहाँ पर जवाब थोड़े लेट मिलेंगे, लेकिन ये पक्का है कि आपको आपके सवालों के जवाब मैं 100% देने की कोशिश करूंगा। और इस चैनल के अलावा मेरे दो और चैनल
चैनल है। एक है मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन, जहाँ पर मैं हॉलीवुड की फिल्मों की एक्सप्लेनेशन करता हूँ, और दूसरा है द मूवी स्टॉक शो, जिस पर आपको बॉलीवुड की फिल्मों के अपडेट मिलेंगे। तो उन दोनों चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।